chicken. What's up, भाई मेरे बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हो तुम लोग? तो आज है लॉकडाउन का डे नंबर 8 और मुझे पता है कि तुम मेरे वीडियो का कर रहे थे वेट। जैसे कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं 21 दिन में तुम्हारे लिए 21 वीडियो निकालूंगा तुम्हें एंटरटेन करने के लिए। तो आज भाई 8वें दिन पे तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए 8वां वीडियो लेकर आ गया है। और आज जिस गाने के ऊपर रिएक्शन वीडियो है भैया, उसके ऊपर तो इतनी सारी रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि मैं तुमको बता नहीं सकता। गाने का नाम है जवाबे शिकवा और ये गाना है तला अंजन साहब का। तो मोस्टली जो मेरे भाई ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है कि इनको इस गाने की कहानी पता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं फटाफट झटापट ये उसकी कहानी बता देता हूँ। तो LUG करके एक लियारी अंडरग्राउंड करके एक ग्रुप है जिसको कोक स्टूडियो पाकिस्तान ने इनवाइट करा था एक रैप सॉन्ग गाने के लिए, जहाँ पे उन्होंने शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा, जिसकी वजह से रैप डीमन और यंग सिनर्स का दिमाग खराब हो गया और डिस की बारिश शुरू हो गई इस साइड से वर्सेज LUG की तरफ से। और आखिरी जो तीन गाने थे जो ताबूत में इस डिस्क की आखिरी की तीन कीलें थी वो थी रैप डीमन साहब के गाना डीमन्स गॉन्टलेट, उसके बाद तला यूनुस साहब का ब्लैक पैंथर और आखिरी में आया हमारा रैप गेम का गालिब तला अंजुम अपना गाना जवाबे शिकवा लेकर। इसके बाद ये डिस पूरी पूरी हो गई खत्म, क्योंकि इसके बाद शायद LUG की तरफ से कुछ जवाब देने के लिए बचा रही था। और अभी मैंने जिन दो गानों का नाम लिया था मैंने उनके भी रिएक्शन वीडियो बना रखे डीमन्स गॉन्टलेट और ब्लैक पैंथर। अगर आपको इसके बाद वाले वीडियो देखने का मन हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरी चीज ये कि देखो यार तुम्हारे लिए 21 दिन में 21 वीडियोस बनाने का वादा करा है तो प्लीज थोड़ा मेरे को भी सपोर्ट करिए। वो जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसके साथ एक जोर की टपली मारकर लाल दोस्तों वेट कर दीजिए। उसके बगल में जो छोटी सी नोटिफिकेशन वाली घंटी है उसको भी टंटना दीजिए। अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है तो मेरा ID का नाम है @fakeyouknow। तो 3, 2, 1 here we go। Yo, it's your boy Talanjo in the house. Even though I don't need an introduction. Everybody knows it now. So my time is up, huh? And your time is now. Wow. ये किसने बोला था? जॉन सीना ने? अबे जॉन सीना के चोदे। Listen up. वही बात ही बोल दिया। Joke on the beat. Joke on the beat boy. Joke क्या beat बनाते हैं यार? तूने बोला कि मैं मम्मी डैडी। मेरे जैसे रैपर के लिए तू never ready. मैं तो संकी मेंटल 24 घंटे ever ready. मैं तो संकी मेंटल रेडी पंजाबी पुत पंजाबी माँ पंजाबी डैडी ए तू मिक्स ब्रीड ये मैं नहीं तेरा ट्विटर बोले। एक सेकंड, क्या तू मिक्स ब्रीड ये मैं नहीं तेरा ट्विटर बोले? लिल एके ब्लैक एंड ब्राउन किड फ्रॉम लियारी रूस के साथ बोल दिया कि तू है मिक्स ब्रीड, मैं तो पंजाबी हूँ प्योर। मेरी शक्ल देख के सुबह जब तू ट्विटर खोले ट्रिगर फिंगर्स टर्न टू ट्विटर फिंगर्स गलत बात आई वोंट से मदर फक यू व्हाट रादर से मदर जात Trigger fingers run to Twitter fingers man क्या rhyming लाता भाई। समझते सब लेकिन बनते हैं ये ना समझ जो समझ समझ के बिना समझे समझो के वो ना समझ हने हने वहाँ हने काले नहीं काले बने तेरे जैसे चुतू रैपर मेरे आगे बेचे चने। तू पीता है चरस ओके आजा मन चीज में लंका तेरे वजन से ज्यादा मैं पी के बैठा हुआ चरस तभी दो महीना रिहैब में बंद था। ओके एक्सेप्ट कर लिया, मतलब कि यार तुम तो जानते हो तला अंजुम जो बोलते हैं जो होता है लाइफ में वही बोलते हैं। जैसे कि ये मैंने ब्लैक पैंथर वाले में बोला था कि यूनुस ने बोला है कि जंग भाई की है लेकिन मैं लड़ूंगा भाई की तरफ से, तो वो इसलिए बोला था कि उस समय तला अंजुम अपेरेंटली जो थे वो रिहैब में थे। तो ये बात उन्होंने गाने में एक्सेप्ट भी कर लिया ओपनली बोली मैन। ये चीज पता है अंजुम की मुझे बहुत सही लगती है कि जो होता है लाइफ में वो सारी बातें बोलते हैं, मतलब कुछ छुपाने उपाने का होता ही नहीं है। तेरी गैर मौजूदगी में तुमने उखाड़ा क्या घंटा ठंडा हो ठंडा तेरे जैसे बहुत आए बहुत गए कोई नई बात नहीं मेरे फेम में किसी जुने जो का हाथ नहीं समझ गए। पब्लिक तो जानती है पब्लिक समझदार है नशे का मरीज था पर अब सोचे बहाल है यूनस ने गाड़ा मलिक ने उखाड़ा मेरे हाथों तुम्हें जो पड़े वो चंदे की मार है। यूनस ने गाड़ा मलिक ने उखाड़ा यूनस ने गाड़ा मलिक ने उखाड़ा मेरे हाथों से जो पड़े वो चंदे की मार है। यूनुस ने ब्लैक पैंथर में गाड़ा मलिक यानी कि अब्दुल्ला मलिक यानी कि रैप डीमन ने डीमन्स गॉन्टलेट में इनके साथ जो करा वो करा और अब जो मेरे हाथों से पड़े वो चंदे की मार है। मेरे हाथों तुम्हें जो पड़े वो चंदे की मार है गाड़ने का टाइम है बिना ऐलान उसके फाड़ने का टाइम है कायम है जोर में भाई। वो बेस ब्रास साउंड सुना था गाड़ने की मार है या हाल है यूनस ने गाड़ा मलिक ने उखाड़ा मेरे हाथों तुम्हें जो पड़े वो चंदे की मार है गाड़ने का टाइम है गाड़ने का टाइम है जो जो ब्रास साउंड आ रहा है वो कितना एपिक लग रहा है। गाड़ने का टाइम है बिना ऐलान उसके फाड़ने का टाइम है कायम है जोर मेरा कायम है रैप है सारा तेरा लेकिन कम उसमें राइम है। ये अबे तेरे को बोला तू भाई है कोई काम हो तो बोल देना टेंशन नहीं है तू कह रहा था कि तेरे पास पैसा नहीं है और मैंने समझाया था कि बेटा हसल यही है। मैंने कब बोला कि मैं गॉड हूँ नहीं मैंने नहीं बोला कि मैं गॉड हूँ
तूने सिर्फ पड़ी लकड़ियां ही ली हैं अब तक, खोल मैं लोहे का रॉड हूँ। अब घुसेगा पूरा तो फिर तकलीफ तो हुई होगी, ब्रश खोलूंगा और बेटा आगे तेरी ढुई होगी, और अपना वक्त बर्स्ट खोलूंगा, गन वाली बर्स्ट बोर्ड खोलूंगा, तुझ पे जाया नहीं करूंगा, इतना बुरा टाइम नहीं आया तुझसे चलूंगा। हाथ बांध, दिस गैंग साइंस डोंट मीन शिट, तू कोई गैंग वॉर नहीं, यू आर नथिंग बट अ बिच। एलयूजी ने उंगल की और मैंने उनकी ले ली, ये हिजड़ों की फौज कभी निकले ना अकेली। देखा ना कितना ज्यादा ब्रूटल जा रहा है यार, मतलब ब्रूटालिटी तो बहुत ही तगड़े लेवल पे। तेरे इलाके के मुजरिम है मेरे बेली, तेरे जैसे चुतुओं को वी बी पॉपिंग ऑन अ डेली। ओह, वी बी पॉपिंग ऑन अ डेली मैन, वी बी पॉपिंग ऑन अ डेली, ये अभी खत्म नहीं हुआ, आगे सुन। ये के बोला था के बस कर, छोड़ दे मत कर, सबको पता है तू इनसे बेहतर, लेकिन अक्सर मेरी अना बोलती है, और वो तभी बोलती है जब मैं होता हक पर। अबे मैं तब से कर रहा जब इधर कोई होता नहीं था, पटारी ताजी या लेबल से कोई समझौता नहीं था, ये सारे मेरे आगे बने मुझे याद है, ये तंज नहीं फैक्ट्स और फिगर्स की बात है। ये तंज नहीं फैक्ट्स और फिगर्स की बात है मैन। बैक व्हेन जब तेरी खड़ी भी नहीं होती थी, बैक देन जब हाथों में घड़ी भी नहीं होती थी, मैंने बदला मेरा वक्त करके मेहनत सख्त, मेरे पास कोई जादू की छड़ी भी नहीं होती थी। ये बंदा घुस के लिखता है मैन, बैक मैन, फैक्ट्स और फिगर्स की बात है। बैक व्हेन जब तेरी खड़ी भी नहीं होती थी, बैक देन जब हाथों में घड़ी भी नहीं होती थी, मैंने बदला मेरा वक्त करके मेहनत सख्त, मेरे पास कोई जादू की छड़ी भी नहीं होती थी। तू आया साल पहले खुद को बोले बादशाह, तेरा करियर महज एक हसीन हादसा। एज पर भाई मतलब हर लाइन इसकी बेहारक है यार, तेरा करियर महज एक हसीन हादसा, यार क्या वर्ड प्ले, क्या वर्ड यूज करता है यार ये आदमी। मतलब The facts you lack the sweet knowledge, mumble less saale teri zuban pe falish, chup karke cash kar, ye dish teri teesri roti hai beta ash kar, ghost ride karwa le, go get yourself a Casper, phir bhi nahi kar sakta, ghost ride karwa le, go get yourself a Casper, Casper to yaar ek animated wo tha hamara cartoon aati thi jisme ghost tha, ghost ride karwa le, go get yourself a Casper, aur Casper jahan tak mujhe yaad hai uski story mein kaisa tha ki ek friendly ghost tha जो हेल्प करता था लोगों की, तो घोस्ट राइड करवा ले, गो गेट योरसेल्फ अ कैस्पर। ओ बैड असल मेरी सरपास, मैं इस गेम का मास्टर, ए ए ए हनी हनी गैंग गैंग, मनी मनी बिचेस बिचेस मनी शैंग मैंग, शट द फक अप, वी डोंट अंडरस्टैंड अ डैम थिंग, जितने मेरे गाने छोटे उतने तेरे फैन नहीं, जज ना कर मुझे, तूने है दी बहन नहीं, कीड़ा तुझ में सुलेमानी, एक मिनट चैन नहीं कर मुझे, तूने है दी बहन नहीं, नहीं, कीड़ा तुझ में सुलेमानी, एक मिनट चैन नहीं, नहीं सुलेमानी कीड़ा है तुम्हारे अंदर, शांति से बैठ ही नहीं सकते हो। स्टॉप थिंक एंड एक्ट किड, कितना सिखाऊं मैं, बाप हूं तेरा जो हर चीज बताऊं है। जवाब शिकवा क्या रिप्लाई था आफ्टर लाइक इतने टाइम बाद, पता नहीं कितने टाइम बाद ब्लैक पैंथर के आया था, लेकिन जो भी आया बहुत ही ज्यादा सॉलिड आया, जिस लेवल के रिप्लाई की उम्मीद थी उसी लेवल का रिप्लाई इन्होंने करा, और क्या वर्ड प्ले और क्या राइम स्कीम और क्या और से यार, मतलब कि अपने सामने वाले को तो छोड़ा ही नहीं इन्होंने। जैसे कि डीमंस गॉन्टलेट बहुत ही अंडरग्राउंड साउंड, अंडरग्राउंड और ब्रूटल ट्रैक लगा था मुझे बहुत ही ज्यादा तगड़ा। उसके बाद ब्लैक पैंथर थोड़ा सा कमर्शियल, लेकिन ब्रूटैलिटी लेवल नेक्स्ट। यहाँ पे ब्रूटैलिटी और अंडरग्राउंड को मेंटेन करते हुए एक बहुत ही सही रिप्लाई सॉन्ग वाली फील आ रही थी, क्या डिस का रिप्लाई, ये लो तुम, यहाँ पे खाली मैं तुम्हारी गाली दे के नहीं लूंगा, उल्टी सीधी बातें करके हम यहाँ पे तुम्हारी बेइज्जती नहीं करेंगे, हम काफी सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स की बातें करेंगे। इसमें यहाँ पे उन्होंने काफी सारी बातें करी, स्टार्टिंग में उन्होंने ये भी बताया कि तुम मेरे लेवल के रही हो, तुम मिक्स ब्रीड हो, और यहाँ पे आके तुम पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में रैप कर रहे हो, सेम मंबल रैपर्स की तरह रैप कर रहे हो, और मैं हर किसी भी दिन तुमसे बेटर हूँ, और एक टाइम होता जब मैं तुमसे बात करता तो तुम्हें अपना भाई बोला था, और मैंने तुम्हें बताया था कि हसल क्या चीज़ होती है, जेब में नहीं पैसे होते तब भी हसल होती है, वही तो असली हसल है। और भाई जो उसमें कुछ कुछ बात तो इतनी ज़्यादा मुझे तगड़ी लगी मैं तुम्हें बता नहीं सकता, हाथ में नहीं थी घड़ी तब मैंने अपना बदला वक्त, और मेरे हाथ में कोई नहीं थी जादू की छड़ी, वो लाइन मुझे बहुत सही लगी। दूसरी जो उन्होंने इसमें रैप डीमन और यूनुस वाली जो लाइन लिखी थी कि यूनुस ने गाड़ा, मलिक ने समथिंग समथिंग, और उसके बाद अब ये ले चंदे में मेरी मार ले समथिंग, कुछ तो था यार लेकिन गाना बहुत ही ज़्यादा सही लगा। अंजुम के लिए तो भैया मतलब इनसे बच के रहना चाहिए यार, इनसे इनको डिसमिस ना करो,
इनको डिसमिस ना करो, बिल्कुल भी ना करो। लिटरली मैं ये चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई डिस्ट्रैक है ना, तो उसमें यूनुस और अंजुम साथ बनाओ, अलग अलग अपने ट्रैक निकाले। जब सिंगल सिंगल ट्रैक निकालते हैं तो उसमें और सारी बार्स और सारे वर्सेस फिट करने का मौका मिलता है, जिसकी वजह से एक रैपर का टेस्ट हमें बहुत अच्छे से मिलता है, जैसे कि इस वाली डिस में मिला। तीनों ने अपने अलग अलग ट्रैक निकाले तो हमें तीनों आर्टिस्टों का जो स्वाद मिला, ओए होए मजा आ गया यार। तो वैसे ही जैसे कि अभी स्टनर्स फ्लो करके आया था, उसमें तीनों साथ में थे, उसमें तीनों ने साथ में चेन के और एसकेडी के खिलाफ गाना निकाला था। लेकिन मैं तो यही चाहूंगा आइंदा से कि अगर कोई डिस हो, वैसे तो मैं नहीं चाहता कोई डिस हो यार, सब लोग अपना अपना काम करें, उसमें ज्यादा मजा आता है। लेकिन अगर कोई डिस हो तो प्लीज साथ में ना निकालिए, साथ में, हमें पता है आप साथ में हो, आप सब साथ में, आपके इंटेंशन से एक है, आप एक ही टीम हो, लेकिन अलग अलग निकालोगे ना भाई, तो वो जो गानों में जो फील आता है यार, एक गाने का देखो, एक गाना एपिक लेवल का बन जाता है जब आप लोग आते हो, लेकिन जब अलग अलग आप अपना अपना काम निकालते हो भाई, तो उसका एक अलग ही जॉनर डिफाइनिंग सॉन्ग टाइप का आ जाता है। तो वो मैं चाहूंगा कि और सिंगल सिंगल काम भी निकाले, साथ में काम तो निकालते ही हैं, जो बहुत बढ़िया जोड़ी है यंग स्टनर्स की, अलग अलग की बात कुछ और है, इसलिए प्लीज वो भी करने की कोशिश करिए। अब यार रैप डीमन की इतनी सारी बात हो रही है, तो एक बहुत ही तगड़ी न्यूज आई है भाई, रैप डीमन और कर्मा का कोलैब आ रहा है नेक्स्ट वीक मैन। कल तो हमें पता ही है कि रफ्तार और कृष्णा का आ रहा है, दिस इज लाइक अ माइंड ब्लोइंग थिंग, लेकिन अगले हफ्ते रैप डीमन एंड कर्मा, ओ मतलब दोनों किस लेवल के रैपर्स हैं ये तो हमको पता ही है, और ये दोनों साथ में क्या गाना निकालेंगे, बाप रे। पोस्टर आ गया है, पोस्टर पे नाम लिखा है LOC, तो देखते हैं कि उस गाने में क्या होगा। बाकी ये गाने की तो भाई कोई बात ही नहीं है, थैंक यू तुम लोगों ने मुझे उस गाने के बारे में बताया, तुम लोग की वजह से मैंने इसका रिएक्शन वीडियो निकाला, तो मजे आ गए, तुमको भी आ गए, मुझको भी आ गए, डे 8 का वीडियो आ गया है। अब अगर डे 9 का वीडियो देखना है तो भाई तुम उसके लिए मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे लाल वाला सब्सक्राइब बटन उसके ऊपर एक जरा जोर की टपली मार कर उसको लाल सफेद कर दो, उसके बगल में जो छोटी सी नोटिफिकेशन वाली घंटी उसको भी टंटरा दो, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, हैंडल का नाम है @FAQNO, फॉलो कर लो भाई, तुम्हारा वहां पे हमेशा प्रेजेंट रहता है। देखो भाई डेली वीडियोस बनाने का एक मकसद है कि आप लोग को लॉकडाउन के टाइम में थोड़ा सा एंटरटेन कर दूं, और आपका छोटा सा सब्सक्राइब वाला बटन दबाने वाला काम और इंस्टा पे फॉलो करने वाला काम मेरे को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देता है, बहुत ज्यादा मोटिवेट देता है, तो प्लीज ये काम करिए। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, मैं अपना अगला वीडियो लेकर जल्दी वापस आऊंगा, टिल देन नया नया म्यूजिक सुनते सुनाते रहिए, अपने गानों को सत्संगी से बचा कर रखिए, एंड #म्यूजिक फ्रॉम म्यूजिक बचाओ को फॉलो करिए। अप फेक।